मेरा मुंह खोलना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो जान ही नहीं लगा मेरी। आरुई कहाँ हो यार तुम, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं यही हूँ, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ, सर्दियाँ आ रही हैं और तुम्हें इतना पसीना आ रहा है। वो इस ड्रेस में बहुत गर्मी हो रही है इसलिए। तुम्हारी दोस्त कब से वेट कर रही है तुम्हारा। हाय हाय प्रीति, क्या हुआ तुम्हें, वॉमिट आ रही है क्या? आरुई मैं देख कर आती। इसे क्या हुआ अचानक? अरे मंजरी जी, ये अभिमन्यु और अक्षरा नजर नहीं आ रहे, वो मनीष से मिलना चाहते थे जाने से पहले। पता नहीं भाई साहब, मैं देखती हूँ। मैं भी देखता हूँ जी। मेरे और अक्षु के बीच जो बात हुई थी उस वजह से उन दोनों के बीच आपस में टेंशन ना हो गई हो। बिल्कुल ठीक है, तुमने बचा लिया इसे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ हुआ तो नहीं? आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो मैं डॉक्टर हूँ, मैंने चेक कर लिया, वो बिल्कुल ठीक है, उसे चोटें लगी है। आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली, मैं कैसे शुक्रिया करूँ आपका? कोई किसी के लिए जान जोखिम में नहीं डालता, पर आपने बहुत एहसान है आपका। अक्षु पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ पता नहीं, गायब भी हो गए दोनों। सब लोग एक साथ फोटो तो क्लिक करा लेते एटलीस्ट। माँ पापा मुझे आप लोगों को कुछ बताने। क्या हुआ नील, क्या हुआ? क्या हुआ नील? नील क्या बात है, सब ठीक है ना? बोलो ना कुछ। सबसे बेस्ट माँ बाप तो कभी माँ बाप नहीं बन सकते। मुझे कभी कोई मांगे कि नहीं बुलाएगा अभी। अभी ये तो जीत गया ना, अभी ये गलत की बिल्कुल गलत है। एक चीज जो एक जीवन में सबसे ज्यादा चाहिए थी भगवान ने वही यही से पुत्र चाहिए अभी। ये गलत है अभी। तुम या तो मुझे छोड़ दो या तो मुझे बोल दो कि आरोही ने जो कुछ भी बोला सब गलत है। मैं माँ बन सकती हूँ अभी। अभी ये मेरा हक है, ये मुझे कोई नहीं दे सकता। संभालो अपने आप को प्लीज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम अच्छी से साथ में डील करेंगे। मुझे बेबी चाहिए, मुझे हमारा बेबी चाहिए, मैं मर जाऊंगी अभी। शुक्र ना बोलोगे तो मैं मर जाऊंगा। हमारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ अभी, क्यों अभी? से गिव अप नहीं करते ना,
हमें हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना, तुम्हारी हिम्मत पर होगा तुम मेरी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। इतनी बड़ी बात हो गई घर में और तुम दोनों कहाँ चले गए थे? अभी तक आप लोग शिवू के चाचा चाची थे, लेकिन अब आप लोगों का प्रमोशन होने वाला है। आप ताऊ और आप ताई बनने वाली है। आरोही प्रेग्नेंट है भाभी। रोही की गोद भर गई, अब बहुत जल्दी अक्षु की भी गोद हरी हो जाएगी। मासी तो बन गई है, अब माँ बनने की बारी है। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ उस पल का जब तू भागती हुई मेरे पास आएगी और मुझे कहेगी, माँ माँ देखो मैं माँ बनने वाली हूँ। प्लीज माँ बस। अभिमन्यु ने अपनी माँ से बोला कि वो अक्षरा से उसके बच्चे की उपेक्षा ना करे। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के आने वाले एपिसोड में आप सभी को ये देखने को मिलने वाला है। जैसे हमें कल के प्रोमो में दिखाया गया था कि आरोही बता देती है अक्षरा को उसका सारा सच, फिर लेकिन आने वाले एपिसोड में हमें ये भी दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब अभिमन्यु देख लेता है कि आरोही बता रही होती है अक्षरा को उसकी प्राइवेट बातें। लेकिन वही आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलने वाला है जहाँ पर अक्षरा ये सब सुनने के बाद कहीं जंगल में छुप जाती है और अभिमन्यु उसे ढूंढता रहता है। लेकिन वही आने वाले एपिसोड में हमें ये भी दिखाया जाता है जहाँ पर एक माँ का बच्चा नीचे फिसल रहा होता है उसके रोलर स्केट में, फिर बेबी पे दिखाया जाता है कि सामने से गाड़ी होती है और बच्चे का हो जाने वाला होता है एक्सीडेंट। उससे पहले ही अक्षरा आके उस बच्चे को बचा लेती है और वहाँ पे अभिमन्यु भी आ जाता है। अभी अक्षरा रो रही होती है, अभिमन्यु से कह रही होती है कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती, तुमने मुझसे छुपाया क्यों? लेकिन अभिमन्यु कह रहा था कि मैं अगर तुमसे छुपाता तो तुम और मैं तुम्हें बताता तो तुम काफ़ी ज़्यादा टूट और दुखी हो जाती। लेकिन तभी हमें प्रोमो में ये दिखाया जाता है जहाँ पर अभिमन्यु की माँ आरोही से बोल रही होती है कि तुम जल्दी से बच्चा कर लो और अक्षरा को बना लो मौसी। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ अभिमन्यु की माँ ये भी बोलती है सेम टू सेम अक्षरा से कि तुम भी माँ बन जाओ। लेकिन वही आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु अपनी माँ को रोक देने वाला है। अब आने वाले प्रोमो में हमें क्या ये देखने को मिलने वाला है कि अभिमन्यु पूरे बिरला परिवार को बताने वाला है कि अक्षरा अब कभी भी ज़िंदगी में माँ नहीं बन सकती है। वहीं आने वाले एपिसोड में ये सब सुनने के बाद पूरा परिवार क्या करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।